भाई लोग ये घास हो गया। एमीवे का नया गाना आ गया है। गाने का नाम क्या है? किंग ऑफ इंडियन हिप हॉप। इससे ज्यादा बोल्ड स्टेटमेंट टू बी ऑनेस्ट अभी तक किसी ने भी इंडियन हिप हॉप सीन में आज तक नहीं बोला है, क्योंकि अपने आपको किंग कहना थोड़ा नेक्स्ट लेवल चीज हो गई। किंग बोले तो सबसे ऊपर, सबसे बड़ा, लेजेंड हो जी अलग चीज होती है, लेकिन किंग बोले तो सबका बाप। बहुत ही खतरनाक सीन होने वाला है। मुझे ऐसा लग रहा है कि I mean, तुम सबको ऐसा ही लग रहा था, क्योंकि तुम सबने मुझे डीएम करके ही बोला था कि कुछ तो भयंकर बीफ शुरू होने वाली है इसके बाद। बिकॉज लास्ट टाइम जब रिप्रेजेंटिंग इंडिया वाली बात हुई थी तो उसके बाद कृष्णा एंटर करा था सीन में। एंड इस सीन के बाद मुझे नहीं पता कि कितने रैपर्स के कितने क्या आग लगने वाली है ये सुन के। प्लस 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 देखो भाई, मैं रात को 12 बजे गाना आ गया था, अभी बज रहे हैं यहाँ पे दिन के नेक्स्ट डे के 1 बजे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ऑलरेडी 7.5 लाख व्यूज हो चुके हैं एंड इट इज ट्रेंडिंग फॉर 9 इन म्यूजिक। ऑलरेडी ये हो गया है। एंड मैं तुम्हें कुछ चीज़ें पहले बता दूं कि भाई मेरे को पता है कि इसमें स्टैंड के ऊपर शॉट है, मुझे पता है कि इसमें बादशाह के ऊपर शॉट है। भाई देखो, मैं अंधा नहीं हूँ, मैं इंटरनेट यूज़ करता हूँ, इंटरनेट में हिप हॉप पेजेस को फॉलो करता हूँ, तो मेरे को ये चीज़ें पता चल गई हैं। एंड ठीक है, बाकी सारी बातें बाद में करते हैं, है ना। गाना सुनते हैं, देखते हैं इसमें क्या है, लेकिन उससे पहले सॉन्ग ऑफ द डे। आओ चले हम पहाड़ पे, कब हो जाएगा खत्म सब, तो चले आओ पहाड़ पे, यहाँ असली हीरे असली जीवे रात है। भाई देख यहाँ मौसम कितना साफ है, बिना पॉल्यूशन के खुल के सांस ले। शहर में चलते रहते भीड़ चाल में, यहाँ पे नजारे भीड़ के साथ बिना कोई चाल के। तो आओ जल्दी से महसूस करो प्रकृति बाहों में, भोले की जन्नत है। तो अभी तो तुमने गाना सुना, उसका नाम है पहाड़ पे बाय KPL फीचरिंग नितेश भाई। ये जो है KPL भाई की EP का गाना है जिसका नाम है गोल्ड चेन्स। EP में टोटल 7 गाने हैं, 7 गाने डिफरेंट जोन के हैं। पूरी EP वैसे Spotify के ऊपर आउट हो चुकी है और EP के 3 गानों के वीडियो भाई ऑलरेडी अपने YouTube चैनल के ऊपर रिलीज कर चुका है। मैं तुमसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार जाके भाई की EP जरूर सुनना और भाई को फीडबैक देना कि तुमको कैसा लगा। लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट है, हसल कर रहा है, प्लीज भाई को सपोर्ट करो, ठीक है। तो बाकी सारी बातें बाद में, फिलहाल ये गाना सुनते हैं। तो बेटा हेडफोन जरा प्रकट हो जाओ। ओह यस, सो 3, 2, 1 here we go। अच्छा बाय द वे, ये गाना किंग ऑफ द स्ट्रीट्स एल्बम का है एंड मैंने डिस्क्रिप्शन में देख लिया था। एंड सेकेंडली आपको याद है मैंने अपने लास्ट वीडियो में बोला था कि गाने के डिस्क्रिप्शन में लिखा नहीं है कि कौन सा गाना किंग ऑफ द स्ट्रीट का है और किसका नहीं है। तो उसके बाद मुझे कई लोगों ने भेजा कि भाई एमीवे ने अपने सारे गानों के नीचे डिस्क्रिप्शन में अब लिख दिया है कि कौन कौन से गाने KOTS एल्बम के हैं। तो एमीवे हमारे वीडियोज़ देखता है बाय द वे। हाँ, गले में नकली घेरा नहीं, डिजाइनर कपड़े पहन। ओके, पुराना वाले एमीवे फिर से है ना। क्या बोलती पब्लिक में जो लुक था, चश्मा एंड टोपी उल्टी, है ना, वही वाला एमीवे यहाँ पे भी दिख रहा है। ओके भाई मेरा रिएक्शन लंबा होने वाला है, ठीक है। 7 मिनट का गाना है, 7 मिनट का गाना है, ये मैंने अभी देखा। और तो फक, ये 7 मिनट का गाना है। डैम भाई, 7 मिनट का गाना है तो रिएक्शन भी लंबा खिंचेगा, ठीक है। तो टाइम लेके ही देखना है ये वीडियो। हाँ, गले में नकली घेरा नहीं, डिजाइनर कपड़े पहना नहीं, आज से अधूरा जब तक ना। 3 एमीवे, वाह मैन। ओके ओके ओके, सो बेसिकली ये एमीवे बिल्कुल पुराना वाला है। ये एमीवे तुम्हारा वो कौन से गाने आए थे, नो ब्रांड्स, और जब एमीवे बीच में ये वाली कैप लगा के आता था ना यार, एक अभी यार मुझे याद नहीं, यू नो मैन, है ना। एमीवे का बीच में फेज आया था जब ये वाले लुक में एमीवे आ रहा था, है ना। और ये है करेंट एमीवे, ठीक है। तो ये फर्स्ट, सेकेंड और ये प्रोग्रेशन यहाँ पे पहुंच चुका है। ओके, मेरे हिसाब से ये दिखाने की कोशिश करिए, तुम्हारे हिसाब से क्या है कमेंट करो। गले में नकली घेरा नहीं, डिजाइनर कपड़े पहना नहीं, आज से अधूरा जब तक नाम आता मेरा नहीं। गाने सबके आते लेकिन आता हर एक महीना नहीं, यूनिटी बोल के जलते ऐसे यूनिटी में रहना नहीं। ओके ओके, यूनिटी बोल के जलते ऐसे यूनिटी में रहना नहीं। ओके ओके ओके, DHH IHH IP HOP मैं OG GOD का भेजा पैगाम, भेजे पे काम, मैं रहता हूँ काम, मैं सीधे मौत देता तभी तो ये लेते नहीं नाम हराम। सीधे मौत, काम, सीधे मौत को शाउट आउट है यहाँ पे मेरे हिसाब से। भेजे पे काम, मैं रहता हूँ, कोई जरूरत नहीं थी ये बोलने की, है ना। लेकिन अगर यहाँ पे बोला है तो इसका मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है शाउट आउट है, है ना। ओके ओके ओके, ये तो फर्स्ट टाइम हम देख रहे हैं। ओके जी जीओडी का भेजा पे काम, भेजे पे काम, मैं रहता हूँ काम, मैं सीधे मौत देता तभी तो ये लेते नहीं नाम। हराम से मैं दूर दूर, मुझसे रहता शैतान। पार्टी फक सोशल में को बहुत सारे काम, मेंशन ये करते मेरी बुराई करने स्टेज हो या टीवी शो। घर पे बैठे बैठे बनता स्टीलिंग शो, सिली सोच ब्रो। ओके ओके, स्टेज हो या टीवी शो, ठीक है। बंटाई का नाम तो आ जाता है भाई, है ना। लाइक इतना तो मैं भी फॉलो करता हूँ हिप हॉप थोड़ा बहुत, है ना, और थोड़ा बहुत तुम भी करते हो, तो तुम्हें तो पता है कि कौन से टीवी शो के स्टेज के ऊपर बंटाई का नाम लिया गया है एंड कौन से स्टेज शो के ऊपर, है ना, यहाँ बंटाई का नाम लिया गया। तो बदनामी मेरी करते। ओके ओके ओके, अपनी अपनी बात को आगे रखते हुए बंटाई, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं एक चीज़ बोलूँगा भाई, जो इंट्रो में HIP HOP GOD जो ये पूरा स्विच करा था ना, राइम स्कीम जो लेके गया था, बहुत बढ़िया साउंड कर रहे थे। सोशल में को बहुत सारे काम, मेंशन ये करते मेरी बुराई करने स्टेज हो या टीवी शो। घर पे बैठे बैठे बनता स्टीलिंग शो, सिली सोच। शेर से भिड़ने आ रही है बिल्ली, लोग मिली बहुत फेम, हर एक वीडियो मिली मिली ब्रो। ये लाइफ नहीं मिली, बनाया कमाया मिली ब्रो। मिली ये मिली वो, मिली 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 बहुत मिली, लेकिन जो मिली जैसे बीट को ये फ्लो मिली। ओ रिली हो रिली डूड, यू नो व्हाट आई लाइक ओवर हियर भाई, मुझे पूरी ओल्ड स्कूल हिप हॉप वाली वाइब आ रही है, ठीक है। जो एमिवे का यहाँ पे जो रैप चल रहा, पूरा ओल्ड स्कूल हिप हॉप। एक तो जो बीट का जो बाउंस चल रहा है ना, है ना, इवन तो उसमें जो एलिमेंट है कोरस वाला, है ना, आका पहला बोले, कोरस बोले, क्या बोलते हैं ना वो वाला, जो आका पहला क्यों बोलेंगे, क्वायर वाला बोलेंगे, वो थोड़ा न्यू टाइप की बीट बना रहा है, लेकिन जो बाउंस जा रहा है वो ओल्ड स्कूल वाला लग रहा है। मिली बहुत मिली, लेकिन जो मिली जैसे बीट को ये फ्लो मिली। ओ रिली हो रिली, इनकी हाइप जब भी दे रहा ओ रिली, फैंस मांगे बनता है वी नीड मोर रिलीज। जब भी दे रहा मैं इनको ओ रिली, ओके, बंटाई दे रहा फैंस मांगे मोर रिली। मोर रिली कर रहा असल ग्राइंड, पब्लिक यहाँ पे सो रिली नहीं भाई, पब्लिक नहीं सो रही है, पब्लिक जानती है, जागती है भाई, पब्लिक को सब दिखता है, पब्लिक को छू बनाना आसान नहीं है, पब्लिक बहुत शाड़ी है, पब्लिक को सब पता है, पब्लिक को सब दिखता है, ठीक है। पब्लिक अंधी नहीं है, सबको ऐसा सब दिखता, कोई अनजान नहीं। ओजी रागा फैंस मांगे बनता है वी नीड मोर रिलीज, मोर रिलीज कर रहा असल ग्राइंड, पब्लिक यहां पे सो रिली। कौन है बेस्ट एमसी, एमिवे डिवाइन पुराना नहीं जी, बाकी मेरी गिनती में नहीं, उंगली करते डेली, रैप करके पार्सल करूं ले आओ जंबो थैली। नकली इसको असली कहते हैं, नकली लिल बेबी, यामुला बेबी लिल वेन में सीन। नकली आइस को असली कहते हैं, नकली लिल बेबीज। लिल बेबी वाला शॉट मैंने इससे पहले किसी एक और गाने में भी सुना है शायद। बाकी मेरी गिनती में नहीं, उंगली करते डेली, रैप करके पार्सल करूं ले आओ जंबो थैली। नकली इसको असली कहते हैं, नकली लिल बेबी, लिल वेन में सीन का। तुम करो तो ठीक, मैं करूं तो अश्लील था। हाँ प्यार दिया तेको, माफी मांगने तूने कॉल किया। एमिवे ने वैसे मेरे हिसाब से कोई भी अश्लील गाना मेरे को नहीं लगता बनाया है। जो ग्राइंड था उससे ज्यादा अश्लीलता तो बॉलीवुड के गानों में होती है। तो मुझे लाइक न्यू एमिवे ने इतना कोई अश्लील गाना आंटी के अलावा मुझे नहीं लगता कि लाइक, और आंटी भी एक ही वाज जस्ट स्टार्टेड मैन, तो मुझे नहीं लगता कि एमिवे ने कुछ भी अश्लील गाने बनाए। आई डोंट थिंक सो मैन। करो तो ठीक, मैं करूं तो अश्लील। मेरी थोड़ी तबीयत खराब है इसलिए थोड़ा सा लो साउंड कर रहा हूँ, मेरी जुकाम की वाट लग रखी है। प्यार दिया तेको, माफी मांगने तूने कॉल किया। साफ है तू शर्मा जी के शो पे जाके ढस दिया, बख्श दिया, लेकिन मैं भूलता नहीं, बॉलीवुड एक्टरों के नीचे बंटाई झूलता नहीं। ओके, शर्मा जी का शो, कपिल शर्मा शो, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली स्टैंड की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे मेरे हिसाब से बोल रहा है, अब मुझे नहीं पता बोला नहीं बोला, बस दिया बख्श दिया, लेकिन क्योंकि शर्मा जी का शो और क्या है ब्रो, है ना। माफी मांगने तूने कॉल किया, साफ है तू शर्मा जी के शो पे, और वहाँ पे डिस की बात करी थी स्टैन ने, जाके ढस दिया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बख्श दिया, लेकिन मैं भूलता नहीं, बॉलीवुड एक्टरों के नीचे बंटाई झूलता नहीं। बेटा वहाँ लटक, इधर मत बटक, वरना बंटाई देगा शॉट सीधा उठा पटक। खुजारा 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 करने पे तो मैं खुजारा खुद पहले आया था, खुजारे अब की बार बचकाने आना नहीं दोबारा, खुजारा 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 खुजा मत नहीं तो इसलिए मैं गुजारा खुद पहले आया था, खुजाने अब की बार बचकाने आना नहीं दोबारा। मेरा जादू वापस आ गया, कम अकल के घच करेंगे, एलन के शक्ल के इसगार रिंगार फंगा से तू जादू, देखो मालूम है ना संडा से तू जादू। अरे झाड़ प्यार देगा तो फिर प्यार देना। ओह डैम, तो बेसिकली यहां पे प्रॉपर प्रॉपर डिस करा जा रहा है यहाँ पे। मुझे तो लगा था कि सप्लीमेंट तो नहीं, मैंने सेठ शर्मा जी तो समझ आ ही रहा था, लेकिन मुझे लग रहा था इतना कह के निकल जाएगा, बट ये जादू एंड ओके, ये तो पुरानी वाली बातें याद आ रही हैं भाई, पुरानी बीफे गड़े मुर्दे है ना खुद रहे हैं यहाँ पे, वो वाला सीन हो रहा है। भंगा से तू जादू, देखो मालूम है ना संडा से तू जादू, अरे झाड़ू प्यार देगा तो फिर प्यार देना वापस सीख, चाहिए बीफ तो फिर ले ये सीख कबाब। देखो इन लोग का सीन क्या हुआ भाई मेरे को नहीं पता और किसी को नहीं पता होगा मेरे हिसाब से इन दोनों के अलावा, बिकॉज वी हैव सीन कि जब एमीवे अंदर था, सॉरी स्टैन अंदर था बिग बॉस में, तो एमीवे ने पुणे के शो में आई गेस सपोर्ट भी करा था है ना, एंड देयर वाज अ क्लिप जब एक फाइनल्स में या कहीं पे तो सबका प्ले करा था, तो वहाँ पे एमीवे ने सपोर्ट करा था, बीके भी सपोर्ट करा था, एंड बाद में स्टैन ने बाहर निकल के डिस्ट्रैक्ट प्ले करा था, कपिल शर्मा शो में भी बोला था है ना, एंड फिर एमीवे ने भी अभी कुछ दिन पहले आई गेस वो जो डिस ट्रैक था है ना, जो डिस वाला पार्ट था है ना स्टैन का, वो प्ले कर रहा था। तभी से मेरे को थोड़ा तो लग रहा था कि यार इन लोग का प्यार तो लग रहा था हो गया, लेकिन अभी तो इन लोग का फिर में बीच में फिर पंगा चल रहा है, तो अब यहाँ पर समझ आ रहा है कि भाई पंगे तो चल रहे हैं है ना, बिहाइंड द सीन्स कुछ तो चीज़ें हुई हैं। ओके okay. प्यार देगा तो फिर प्यार देना वापस सीख, चाहिए बीफ तो फिर ले ये सीख कबाब, ये रुबाब बंटाई लोग को देना नहीं, सब पैसे नहीं है नवाब, अब फिर से आड़े करेंगे तो ढंग से दूंगा जवाब। चल यो 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 करके कोई तो स्टेज पे हंस रहा था भाई, कोने देख बंटा है जरा, उसको भी कुल्फा कराओ, बैड बॉय भी मेरे सामने बनते गुड बॉय बेटे। ओके 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 ये तो यहाँ पे बेसिकली बादशाह की बात हो रही है ठीक है, जब उन्होंने कहाँ पे हसल में कहीं तो बोला था है ना कि यू 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 मुझे यू 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 साउंड करा है ना, और यहाँ पे बेसिकली अब वही वाला पॉइंट पकड़ा जा रहा है, बनता है जरा उसको भी कुल्फा कराओ, बैड बॉय भी मेरे सामने बनते गुड। सो बेसिकली किंग ऑफ इंडियन हिप हॉप जब यहाँ पे नाम रखा गया है तो यहाँ पे बिना सोचे समझे सबको लपेटा जा रहा है बॉय बेटे। यू 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 नाम लेने इनकी फटे बंद करिए शान पति, समझा गया इशारा, इस बार तेरी जान बची, आना नहीं दोबारा, चल खेला ही मैं। ये तो मुझे नहीं समझ आया, शान पति समझा गया इशारा, इस बार यू 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 नाम लेने इनकी फटे बंद करिए शान पति, समझा गया इशारा, इस बार तेरी जान बची, आना नहीं दोबारा। डूड आई डोंट नो मैन यहाँ पे कौन किसको क्या कर रहा है, बिकॉज एमीवे इज हेवली सपोर्टेड बाय यो हनी सिंह एंड ही इज डिसिंग बादशाह, ही हैज़ हिज ओन रीजंस क्योंकि उन्होंने ये बोला था है ना बादशाह ने है ना, लेकिन ओ मैन टीमिंग अप पीपल, कुछ तो सीन या वाह। चल खेला ये मैं सब पे पड़ रहा भारी, पूरी इंडस्ट्री खिलाफ बंटाई जी रेला है, खेला ही मैं सब पे पड़ रहा भारी, पूरी इंडस्ट्री खिलाफ बंटाई जी रेला है, मैन 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 ये हुक है क्या, खेला ही मैं सब पे पड़ रहा भारी, पूरी इंडस्ट्री खिलाफ बंटाई जी रेला है, खेला ही मैं सब पे पड़ रहा। एक सेकंड, यहाँ पे जिसने भी ये एडलिब्स डाले ना पीछे ओए ओए ओए, उससे पंप बहुत बढ़िया बना है, पूरी इंडस्ट्री खिलाफ बंटाई जी रेला है, खेला ही मैं सब पे पड़ रहा भारी, पूरी इंडस्ट्री खिलाफ बंटाई जी रेला है, खेला ही मैं सब पे पड़ रहा भारी, पूरी इंडस्ट्री खिलाफ बंटाई जी रेला है। अच्छा तो ये बेसिकली ओके, ये कहाँ लटका हुआ है ताज, जब मैं बोलूं हिप तो तुम बोलो हॉप, बोलो हिप हॉप हिप हॉप, जब मैं बोलूं हिप तो तुम बोलो हॉप, बोलो हिप हॉप हिप हॉप, सारे रैपर्स एक तरफ और मैं एक तरफ, बीकेपी है वन साइड और बाकी नल्ले हर तरफ, मैं वो तरफ जो लगे तो छूटे ना पिटेगा, मेरे से मिलेगा फुटेगा चलेगा, मेरे से गिरेगा मिटेगा खड़ेगा, सामने कभी नहीं उठेगा घुटेगा, सांस पर फ्लो नहीं छूटेगा, ये कहाँ से कहाँ गया, मैं एक तरफ बीकेपी है वन और बाकी नल्ले हर तरफ, मैं वो तरफ जो लगे तो छूटे ना पिटेगा, मेरे से मिलेगा फुटेगा खेलेगा, मेरे से गिरेगा मिटेगा खड़ेगा, सामने कभी नहीं उठेगा घुटेगा, सांस पर फ्लो नहीं छूटेगा, पायलट है भाई तेरा गुस्सा तो लूटेगा, दूंगा मैं लात निशान नहीं छूटेगा, दूंगा मैं हाथ तो कान में मुतेगा, जान नहीं छूटेगा क्योंकि मैं पीछे नहीं हटता, उल्लू का बट्टा खाएगा बट्टा पहनो तो पट्टा, क्योंकि मरने गले में पट्टा बंडेला दूंगा मैं पीस, मैंने मंडेला हर बारी बंटा जब आता तो पहला पीस बंडेला। एक सेकेंड भाई मुझे सीसी ऑन कर दो, किसी ने मुझे बोला था कि भाई अंग्रेजी में ट्रांसलेटेड है, एमीवे के गाने होते हैं अंग्रेजी में ट्रांसलेटेड क्योंकि शायद बाहर की जनता भी देखती है, तो ही मेक श्योर, बट किसी ने मुझे कहा था कि इसको देख लेना, कुछ कुछ जब फास्ट आएगा तो मिस करोगे, आसान रहेगा तुम्हारे लिए, हो गया निशान नहीं छूटेगा दूंगा मैं हाथ तो कान में मुतेगा, जान नहीं छूटेगा क्योंकि मैं पीछे नहीं हटता, उल्लू का बट्टा खाएगा बट्टा पहनो तो पट्टा क्योंकि ये मरने गले में पट्टा मंडेला दूंगा मैं पीस मैं नहीं मंडेला हर बारी बंटा जब नेल्सन मंडेला और पीस का रेफरेंस ठीक है हो गया पता तो पहला मैं आके पहला बिट भी नहीं मिला तो जाओ आके पहला तू आके पहला क्या है वो खड़ा मैं आखिर में आके भी बैठेला पहला अच्छा तेरे फैला बंटा को रोको ना कुछ तो भी करो ना मतलब नहीं मैं पूरे दुनिया में फैला चाहे तुझे बेटा सक्सेस तो दिल जो बोले बेटा वो कर किसी ने कभी नहीं करेला लाइफ में लाला जाके तू अब वो कर तू है जो कर डूड ऐसा लग रहा है एमिवे की कैमरा प्रेजेंस डे बाय डे हर गाने में और बेटर होती जा रही है सक्सेस तो दिल जो बोले बेटा वो कर किसी ने कभी नहीं करेला लाइफ में लाला जाके तू अब वो कर तू है जो कर अगर दुनिया को खुश रखे जिलेला खुद को खो कर खा ठो कर तो बिना से मुश्किल से आगे बढ़ वापस से रोक कर मैं तब रोक कर पर दुनिया भर फैला मैं हर जगह पहुंचा ये वो कल बाबू ने जो देगा कीमत तेरी जितना मांगे तू वहीं पे शो कर जिंदगी जिले में बाप रे ब्रो आई लव दिस पार्ट तो दिल जो बोले बेटा वो कर किसी ने कभी नहीं करेला लाइफ में लाला जाके तू अब वो कर तू है जो कर अगर दुनिया को खुश रखे जिलेला खुद को खो कर खा ठो कर तो बिना से मुश्किल से आगे बढ़ वापस से रोक कर मैं तब रोक कर पर दुनिया भर फैला मैं हर जगह पहुंचा ये वो कल बाबू ने जो देगा कीमत तेरी जितना मांगे तू वहीं पे शो कर जिंदगी जिले में दो पल मेरे गाने बजे बेटा ग्लोबल हर जगह दिखूंगा फेमस हूं क्या करूं टेक ओवर कर डाला सोल टॉक्सिक शिट फैंस इनके बीके पे मेरी फैंस कहते हैं डिस करो जो बजा रुको मत बंटा ड्रॉप दिस शिट डूड दिस सॉन्ग इज फायर भाई साहब इसकी एनर्जी ब्रो अभी 4 मिनट नहीं हुआ है ठीक है एंड फक ब्रो आई एम सॉरी ब्रो मेरे कान पे ज्यादा हैवी हो गया ठीक है बिकॉज़ लाइक नॉन स्टॉप बैंग 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 नॉन स्टॉप ठुकाई चल रही है कान में ऐसा लग रहा भाई ठीक है रुक ही नहीं रहा है लाइक पूरे गाने में जो अभी हुक वाला पार्ट आया था वो खाली वही एक पार्ट ऐसा था जिसमें थोड़ा काम ना होता वो भी बहुत कैची लगा मेरे को बट अदरवाइज ही इज गोइंग हैम ब्रो पागल बिल्कुल पागल हो रहा है भाई अभी बीट के ऊपर दो पल मेरे गाने बजे बेटा ग्लोबल हर जगह दिखूंगा फेमस हूं क्या करूं टेक ओवर कर डाला सोल टॉक्सिक शिट फैंस इनके बीके पे मेरी फैंस कहते हैं डिस करो जो बजा रुको मत बंटा ड्रॉप दिस शिट वापस से का नजारे मेरे बारे बुरा बोले वापस से मिलेगा शॉट रिटर्न मिलेगा शेयर मेरा बजेगा यहां पे से खेला ही मैं सब पे पड़ रहा भारी पूरी इंडस्ट्री खेला भाई कुछ भी हुआ भैया गाना तो खतरनाक बनाया है भाई ठीक है एंड देखो अब मुझे पता है पहली बात तो मुझे ऐसा लग रहा है कि गाना सुनकर भी कितने रैपर्स जो है अपना रैप लिखना शुरू भी कर दिए होंगे एमईवे के अगेंस्ट ठीक है कि केशव बोल दिया मेरे को लाइक एवरी लाइक आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट उनके बारे में जिनको डिस करा गया यहाँ पे लाइक और बहुत सारे रैपर्स मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी डिस लिख रहे होंगे एमईवे के खिलाफ बट भाई साहब ये तो खुला चैलेंज है ठीक है सबको खुला चैलेंज है ओपन है कि आज और लड़ लो मेरे से वाला सीन है गट्स चाहिए भाई इसके लिए इसने बोला कि मैं अकेला और पूरी इंडस्ट्री मेरे खिलाफ ठीक है यार खतरनाक भाई साहब पूरी इंडस्ट्री खिलाफ बंटाई जी रेला है अकेला ही मैं सब पे पड़ रहा भारी पूरी इंडस्ट्री खिलाफ बंटाई जी रेला है अकेला ही मैं सब पे पड़ रहा भारी पूरी इंडस्ट्री खिलाफ बंटाई जी रेला है जितने बार मांगे उतने बार भर के दूंगा बार महंगा कार सबसे ज्यादा सबसे म्यूट की बार मेरे गिनती के खुद पे डिपेंडेंट नहीं महंगी कार असली पेंडेंट पर ये इंडिपेंडेंट नहीं सबसे ज्यादा ट्रैक सबसे ज्यादा व्यूज यू bastards फ्लेक्स करे स्ट्रीम्स पे देयर ओन मास्टर्स ओ भाई साहब भाई ये गंदा पॉइंट पकड़ा है भी मेरे डैम ब्रो आई लाइक दिस वन भाई साहब बार भर के दूंगा बार्स महंगा कार सबसे ज्यादा सबसे म्यूट टू सेट द बार की बार मेरे गिनती के खुद पे डिपेंडेंट नहीं महंगी कार असली पेंडेंट पर ये इंडिपेंडेंट नहीं सबसे ज्यादा ट्रैक सबसे ज्यादा व्यूज यू bastards ये खतरनाक है भाई ठीक है कि लोग फ्लेक्स करते हैं कि मेरी स्ट्रीम्स इतनी है एंड लेकिन उनके पास अपने मास्टर्स तो है ही नहीं ब्रो ठीक है अगर उनके पास अपने मास्टर्स नहीं है तो जो तुम्हारी स्ट्रीम्स हो रही है उसके पैसे तुम्हें तो नहीं मिल रहे ना भाई है ना ओ भाई साहब भाई खतरनाक है ना ये पॉइंट खतरू उठा के लाया है ठीक है ओके फ्लेक्स करे स्ट्रीम्स पे नो मास्टर्स अब पास करना भी छोड़ दिया क्या लेंगे मुझसे स्मोक ट्वीडी है पे नो मास्टर्स अब पास करना भी छोड़ दिया क्या लेंगे मुझसे स्मोक अच्छा लिरिकली एमिनम कर देगा सब बचकारों को इतना कामयाब बना कैसे ये है गॉड्स प्लान एमिवे नाइक एक सेकंड ये क्या लिखा है लिरिक्स ब्रेकडाउन ओके अच्छा लिरिकली एमिनम वो तो समझ आ गया था अरे बाप रे अच्छा ठीक है चलो नीचे लिख के आई थिंक वही यार कर देगा सब बचकारों को इतना कामयाब बना कैसे ये है गॉड्स प्लान एमिवे नॉट इक्वल टू एमिवे इज नॉट इक्वल टू एमसी I don't even miss the aim. I am slim. I need more stan. EMIWAY. EMC square. चुकता स्क्वाड इन हिंदी इज कॉल्ड चुकता। ऐसा ही क्या भाई, हिंदी माध्यम वाले भाई लोग जरा बताओ मेरे को चुकता क्या होता है। ठीक है ओके, ओ भाई गॉड, भाई ने अपना लिरिकल ब्रेकडाउन खुद ही करके दिखा दिया गाने में कि तुम तो समझ नहीं पाओगे शायद, है ना। तो ये लो मैं बताता हूँ तुमको कि मैं बोल क्या रहा हूँ यहाँ पे। ओके नहीं मैं कभी रॉन्ग। ओ माय गॉड भाई कहाँ से कहाँ ले गया। ओ माय गॉड अच्छा, इज इक्वल टू MC स्क्वायर जो आइंस्टाइन ने लाया था, लेकिन वो सिखा रहा है गलत, है ना। और मैं हूँ ECG सुदर्शन। मैं कभी निशाना में स्लिम आई नीड मोर स्टैंड। नहीं मैं कभी निशाना स्लिम आई नीड मोर स्टैंड, मुझे ये नहीं समझ आया वैसे। इन बचकानों को गलत चीजें सिखा रहा है, प्रूफ करा गलत इन्हें, जैसे बेटा मैं हूँ ECG सुदर्शन के दिल में खोट बता दूं जैसे ECG डिटेक्शन। सारे रैपर्स मेरे ECG सुदर्शन से ECG दिल का डिटेक्शन इनके दिल में खुद बता दूं मैं। मुझे मेरा ये रिफ्लेक्शन जो रिएक्शन चैनल करते रहते ब्रेकडाउन, देखता हूँ कौन यहाँ ओजी और कौन यहाँ फेक क्लाउन। बंटाई कर रहा यार रिएक्शन चैनल साला रिएक्शन चैनल ना हो गए इंडियन हिप हॉप चला रहे भाई। मतलब रिएक्शन चैनल को इतनी इम्पोर्टेंस। थैंक यू। लाइन क्या भाई जैसे ECG डिटेक्शन सारे रैपर्स में दिखता है, मुझे मेरा रिएक्शन चैनल वालों हाई फाइव अपन लोग बहुत मजा रहे भाई। जो रिएक्शन चैनल करते रहते ब्रेकडाउन, देखता हूँ कौन यहाँ ओजी और कौन यहाँ फेक क्लाउन। रिएक्शन चैनल करते हैं ब्रेक डाउन, देखता हूँ कौन या ओजी एंड कौन या फेक क्लाउन। कौन या फेक क्लाउन ना देखता हूँ। रिएक्शन चैनल करते हैं ब्रेक डाउन, देखता हूँ कौन या ओजी और कौन या फेक क्लाउन। फेक को क्लाउन बोल दिया भाई। अरे यार दिक्कत क्या है भाई, मैंने क्या तुम्हारे जिंदगी में गलत करा ये बताओ। तुम्हारे किस गाने को मैंने गलत, हो सकता है भाई हाँ मैं गलत ब्रेक डाउन कर दिया हो गाने का, लेकिन भाई ये बताओ अभी अगर मैं अपनी जिंदगी की 4 लाइनें बना के तुमको मोहनजोदारो की हिस्ट्री उठा के दे दूँ जिसके बारे में किसी को नहीं पता है, क्या ब्रेक डाउन कर देगा क्या भाई? कौन कर देगा एक बार में ब्रेक डाउन? भाई रिएक्शन चैनल है भाई, जो समझ आता है बोल लेते हैं। देखता हूँ कौन या ओजी और कौन या फेक क्लाउन। भाई ने मेरे को क्लाउन बोल दिया भाई, ये साफ है ब्रो। आई डोंट नो कौन ये समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे। और मैं तुम्हें चलो एक और चीज़ बताऊँ भाई, मुझे कुछ लड़के मैसेज कर रहे थे कि भाई इस गाने में आपको शाउट आउट दिया है एंड आप प्लीज़ इसको देखो। ब्रो ये शाउट आउट नहीं है, शॉर्ट है। इतना समझ आता भाई, इतना रिएक्शन चैनल ब्रेकडाउन कर लेता है आदमी। यहाँ साफ है ब्रो, देखता हूँ कौन या ओजी और कौन या फेक क्लाउन। तो भाई ने अफेक को क्लाउन कह दिया। चलो भाई अपन ने हिस्ट्री बना दी है। अपन इंडिया के पहले ऐसे रिएक्शन चैनल बने थे जिसको शॉर्ट आउट दिया था किसने, मेरे फेवरेट वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट रैपर मुंह फाड़ दे, एंड मेरे को शॉर्ट भी दे दिया अपने बहुत बड़े गाने में, है ना, कि मेरे वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट रैपर एमीवे ने। वाह भाई वाह। सो अपन को शाउट आउट भी मिल गया, अपन को शॉर्ट भी मिल गया। ठीक है तो अपन नेगेटिव पॉजिटिव मेंटेन करते हुए हर जगह और इंडिया में हिस्ट्री बनाते हुए। लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं सोचा था जो मैंने चैनल स्टार्ट करा था कि ये जो मैं मज़े मज़े में करता हूँ। इनफैक्ट मैं तुम ये सोचो भाई कि मैं तो इतना क्रिटिसाइज भी नहीं करता, ठीक है, मैं तो फिर भी हल्के में या अपनी बात को सटली रखता हूँ। मैं बिना बेइज्जती करे हुए सच्चाई सामने रखता हूँ जो मुझे समझ आ रही होती है, क्योंकि मेरा काम बेइज्जती करना नहीं है, ठीक है ना। मेरा काम बेइज्जती करना है और ना मेरा काम बायस हो रहा है। मेरा काम सीधे ये है, मेरा काम जो सच्चाई दिख रही है व्यूअर को बिना अंधे हुए और बिना मुंह पर टेप लगाए वो बात को सटली सामने रखना। मेरे को किसी को बेइज्जती करने का कोई शौक नहीं भाई, मेरा कोई रैपर जानने वाला नहीं है और मेरे को किसी से कोई लेना देना है। लेकिन भाई सही है चलो अपन हिस्ट्री बनाते हुए, ठीक है, इंडियन हिप हॉप सीन में अपन का नाम आते हुए, है ना। भाई ने सटली अपने को फेक क्लाउन बोल दिया है। सो BKP यू नो, है ना, आई थिंक इट्स टाइम टू अनफॉलो अ फेक, क्योंकि ही इज़ नॉट OG, ही इज़ अ फेक क्लाउन। ठीक है भाई, ये मैंने सही ब्रेक डाउन करा ना एमीवे भाई। अगर गलत करा तो वो भी कमेंट में बता दीजिए प्लीज़, अगर सही करा तो वो भी 100 लिख देना आप, मैं खाली समझ जाऊँगा। थैंक यू। रिफ्लेक्शन जो रिएक्शन चैनल करते रहते ब्रेकडाउन देखता हूँ कौन। डैम ब्रो हमारी कितना भौकाल हो गया यार, हमारी इतनी इज्जत लाइक इतना क्यों लाइक गानों में हमारे नाम लिए जा रहे हो भाई रिएक्शन चैनल। कम ऑन मैन लाइक ये बिग अचीवमेंट है ब्रो। ऐसा लगता है दो तीन कम ऑन भाई दुनिया के बाकी रिएक्शन चैनल अलग जा रहे हैं लेकिन जो अपना इंडियन DHH के रिएक्शन चैनल है ना वो अलग जा रहे हैं भाई। या फिर एक और टाइप के रिएक्शन शायद यहाँ पे ये बोला कि जो रिएक्शन चैनल ब्रेकडाउन करते हैं, बोले तो जो रिएक्शन चैनल ब्रेकडाउन नहीं करते वो सही है। हम खाली मुंडी हिलाए तो सही है, हम अगर जो हमें दिख रहा है जो सुनाई दे रहा है वो बोले तो गलत है। जी और कौन यहाँ फेक बंटाई कर रहा ब्रो। चलो ठीक है, पानी है पानी है तेरे से ब्रेकडाउन देखता हूँ कौन यहाँ हो जी और कौन यहाँ फेक बंटाई कर रहा प्रोटेस्ट। कौन बेस्ट दिया 3 स्ट्राइक गाने में आज रैपर्स हो रहे टेक डाउन। टेक्निकल और लिरिकल की बात तो ये प्लेग्राउंड, ये लाइफ मेरी मांगे जैसी दोस्त की गाड़ी एक राउंड। कौन मेरी एड भगा रहा सब चीजें मैं देख रहा हूँ। बॉनफायर में संडे रैपर्सों को सेक रहा, बॉनफायर आई एम अ बॉनफायर रोस्टिंग दीस ठंडे रैपर्स को सेक रहा हूँ। कौन मेरी एड भगारा सब चीजें मैं देख रहा हूँ। बॉनफायर में संडे रैपर्सों को सेक रहा हूँ। खरीदने को न ले, ले पाएंगे व्यूज, ये ले पाएंगे फॉलोअर्स, ले पाएंगे स्ट्रीम। डूड ये वाला पार्ट मुझे क्यों इतनी एमिनेम की याद दिला रहा है, दिस वाला फ्लो दिस फ्लो। कौन ले पाएंगे व्यूज, ये ले पाएंगे फॉलोअर्स, ले पाएंगे स्ट्रीम, ये ले पाएंगे सब्स, ये ले पाएंगे ट्वीट्स। जो मेरे पास है नेवर यू कैन बाय द स्ट्रीट। हां करूं ना खत्म तो करूं ना बस अब तो करूं ना प्रूव बोला तो मैं कसम में तो क्लिक कर शॉट दे सारे के मुझसे से फ्री भी है गल खाली। भाई गाना फास्ट फॉरवर्ड हो गया। रुक जाओ जरा। एक तो ये जो अंग्रेजी इतनी लिख के आ रही है ना भाई, अंग्रेजी माध्यम वालों के लिए मतलब हमारे जैसों के लिए नहीं है, इसको हटा देते हैं। आप जरा समझने की कोशिश करते हैं कि भाई ने कौन सी मशीन गन चला दिया यहाँ पे। ये सब ये ले पाएंगे ट्वीट्स जो मेरे पास है नेवर यू कैन बाय द स्ट्रीट। हां करूं ना खत्म तो करूं ना बस अब तो करूं ना प्रूव बोला तो करूं इन्हें खत्म तभी करूं इन्हें पसंद। जो मेरे पास है नेवर यू कैन बाय द स्ट्रीट। हां करूं इन्हें खत्म तो करूं इन्हें बस अब तो करूं ना प्रूव बोला तो मैं कसम में तो क्लिक कर शॉट दे। सॉरी ब्रो मेरे को लिरिक्स चाहिए होंगे, मैं नहीं समझ पा रहा, ये बहुत फास्ट है, मैं क्लाउन हूँ फेक क्लाउन। You can buy the street. हाँ करूँ ना खत्म तो करूँ ना बस अब तो करूँ ना प्रूव बोला तो मैं कसम में तो क्लिक कर शॉट दे सारे के मुझसे से फ्री भी है गल दे। भाई आई एम रियली सॉरी, ये कब बंद भी हो गया था कैमरा मुझे पता भी नहीं चला। ठीक है मैं थोड़ा ये वाला पार्ट को पीछे करके प्ले कर देता हूँ। ये साल मेरा हंसा मेरा बस्ता मेरा फिरना मेरा नाम मैं बना सारे बड़ी पैसा मैं कॉमन मैन मैंने जिंदगी को जीने लगा मोमेंट मैं जो शौक मेरे से लो लॉब मैं बोल भाई मैं वाकी मोमेंट मैं पहले तो कॉमेंट मैं डाला कितने रैपर का प्रॉब्लम मैं मेरे से तो प्रॉब्लम मैं इंट्रोडक्शन मालूम मैंने कौन हूँ मैं। अकेला ही मैं सब पे पड़ रहा भारी, पूरी इंडस्ट्री खिलाफ बंटाई जी रेला है। अकेला ही मैं सब पे पड़ रहा भारी, पूरी इंडस्ट्री खिलाफ बंटाई जी रेला है। अकेला ही मैं सब पे पड़ रहा भारी, पूरे इंडस्ट्री के खिलाफ बंटाई जी रेला। अब ये बोलेंगे एल्बम आ रही है तो हाइप नहीं मैं बोलता तो नहीं भाई है ना, क्योंकि मैं फेक क्लाउन हूँ है ना, लेकिन मैं बोलता नहीं ये सब बातें है ना। मैं अपने मन की बातें अपने मन में ही रख लेता हूँ थोड़ी बहुत, क्योंकि मैं किसी के नाम को मैंने बोला ना मेरा नाम किसी को घसीटना नहीं है, मेरा काम किसी को बेइज्जती करना नहीं है, उसका गेम खराब करना नहीं है ना। लेकिन मेरे मन में बात तो आई थी कि हाँ शायद पता नहीं एल्बम आ रही है इसलिए करा जा रहा है कि क्यों करा जा रहा है। ठीक है लेट्स लिसन टू व्हाट ही इज गोइंग टू से। पूरे इंडस्ट्री के खिलाफ बंटाई जी रेला। अब ये बोलेंगे एल्बम आ रही है तो हाइप लेने इसने डिस करा, सबका बदला लेता बंटा आज तक कुछ नहीं मिस करा। वो करे तो चमत्कार हम करे तो क्या, तो सही है ब्रो है ना, क्योंकि सारे रैपर्स यही वाली स्ट्रैटेजी करते हैं। अभी तुम देख लेना जब भी किसी रैपर का तुम्हारा कोई भी हो ना, मैंने तो भाई इंडियन हिप हॉप में आर्टिस्ट देख लिया, DHH पाकिस्तान हिप हॉप में उतना फॉलो नहीं कर पाता लेकिन इंडियन हिप हॉप में मैंने देख लिया जब भी किसी रैपर का कुछ गाना आने वाला होता है ना भाई वो किसी ना किसी को शॉट देना शुरू कर देता है। तो या तुम करो तो चमत्कार हम करे तो का बदला लेता बंटा आज तक कुछ नहीं मिस करा, वो करे तो चमत्कार हम करे तो क्या। एल्बम बना रहा था इसलिए कुछ नहीं कर रहा था, मैं कुछ नहीं कर रहा था काय को उंगली करने का। प्यार देने होता नहीं तो हिट नहीं करने का, किसी की भी बुराई करके पेट नहीं भरने का। डिस करना छोड़ू जब ये छोड़े उंगली करने का। देवन से अपना किससे ना ले वन, देवन जेवन किए बिना ना जाने देती माँ घर से भाग। मुंबई शहर मेरा नाम सुनते लोग जाते डर के भागेगा तो देखेगा तो सिर्फ मरते खत्म भरते गाँव। वक्त के साथ सिर्फ आगे बढ़ते जाओ जैसे लोकल बस, मेरा वोकल 10-20 मिलियन लोगों को इंस्पायर करे। ये लोग के गाने से क्या सीखे, ये लोग गाने में शो साइन करे नकली, देख इधर को शो साइन करे नकली। जो गाने में अपनी फीस बताते हैं क्या, कि इन लोग से क्या सीखेंगे जो गाने में शो बताते नकली। ये लोग के गाने से क्या सीखे, ये लोग गाने में शो साइन करे नकली, देख इधर को नस्ली। घूमे कितने बस्ती शूटर्स तोड़े फसली, तेरे आइटम देख के हंस दी दिखावा जबरदस्ती। उंगली करते मेरे को बार बार इनके, मैं बहुत मस्त पूरा रैप गेम कब्जे में कर रहा हूं कब से मैं इंडिपेंडेंट बना क्योंकि भाई कुछ भी को पता है मैं तुम्हें एक चीज बता रहा हूं भाई दिल से, ये गाना है तो फायर, ठीक है चलो गाने के बारे में बाद में बात करते हैं। नहीं था वक्त से मैं मेरे ऐसा कोई नहीं आज बोलता हूँ हक से मैं किंग ऑफ इंडियन हिप हॉप पहुंचा नहीं यहाँ तक लक से मैं। खतरनाक सीन होते हुए बहुत सारे लोगों को शॉट्स देते हुए कुछ और आएगा कुछ और नहीं आएगा। ओके ठीक है किंग ऑफ इंडियन हिप हॉप ठीक है ओके ऑलराइट सो उतने ही है 10,000 व्यूज बढ़ते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। नंबर 9 ट्रेंडिंग पे गाना चल रहा है। तो भाई देखो पहले गाने के बारे में पहले छोटी सी बात कर देते हैं। बीट के बारे में बहुत बढ़िया बीट थी है ना, ऐसी सब कुछ है पास फिर भी मैं अकेला क्यों है ना। ये जो डिवाइन का गाना आया था उसमें जो क्वायर टाइप चल रहा था जो 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 वोकल्स चल रहे थे है ना फीमेल वाले वैसा थोड़ा सा क्वायर इसमें भी लग रहा था चल रहा था ठीक है। चलो वो हो गई खाली बात है ना, बाकी बीट बहुत बढ़िया थी। बहुत ही सारे वेरिएशन थे। 7.5 मिनट की बीट 7 मिनट की बीट बनना आसान बात नहीं है जिसमें बंदा बोर ना हो। लेकिन बहुत बड़ा रीज़न है ना बोर होने का एमीवे, बिकॉज एमीवे ने इस गाने में इतना कंटेंट दिया है, इतने फ्लो स्विचेस करे हैं, इतने सारे टॉपिक्स के बारे में बात करा है जिसकी वजह से गाना मुझे 7 मिनट का कब खत्म हुआ पता नहीं लगा। बाकी खुद से जब बैठ के गाना सुनूंगा समझूंगा समझने की कोशिश करूंगा तब मुझे समझ आएगा कि गाना किस लेवल पे मुझे इम्प्रेस कर रहा है। लेकिन जो चीज़ें मुझे फर्स्ट टाइम लिसन करके इम्प्रेस करी हैं, ये ब्रेक डाउन नहीं कर रहा हूँ है ना, वो मैं बोलूँगा। भाई गाने में अच्छे बार्स थे, बहुत अच्छे फ्लोज थे। लाइक अगर अभी भी कोई ये बोले ना कि गाना हल्का है या ये बकवास है तो ब्रो तुम डिल्यूजनल हो मेरे हिसाब से, ठीक है। तुम्हें इसके ऊपर लड़ाई करनी कि तुम अपने आप को किंग ऑफ इंडियन हिप हॉप नहीं कह सकते, उसके ऊपर तुम लड़ो लाइक वो तो हाँ ठीक है तुम्हारे अपने पॉइंट्स होंगे। लेकिन अगर तुम इस गाने की पर्टिकुलरली बुराई करोगे तो भाई सॉरी तुम डिल्यूजनल हो। इस गाने में मेरे हिसाब से हिप हॉप के जितने चेक्स होते हैं जितने रैप के मेरे लिए एज अ रेगुलर लिसनर, मैं बहुत ज़्यादा टेक्निकल में नहीं जाता भाई, उतना तो मुझे टेक्निकल समझ भी नहीं आता, मैं एक नॉर्मल लिसनर हूँ। तो नॉर्मल लिसनर के हिसाब से जितने भी चेक्स मेरे को एक रैप में चाहिए मुझे सारे मिले हैं, मुझे बार्स मिले हैं, मुझे फ्लो स्विचेस मिले हैं, मुझे इतने सारे केडेंस मिले हैं। जब वो एंड में चॉपर मार रहा था ना तो एक जगह बोलता था कि अब मैं हूँ सेलिब्रिटी, पहले था कॉमन मैन, वहाँ पे तुम केडेंस सुनना भाई बिल्कुल अलग ही हो गया है ना। मुझे इस गाने का हुक बहुत बढ़िया लगा, बहुत ज़्यादा बाउंसी हुक है, मुझे इस गाने में पूरा एटीट्यूड मिला। तो मुझे भाई वो सारी चीज़ें मिल गई जो अगर कोई बंदा ये बोल रहा है कि मैं किंग ऑफ इंडियन हिप हॉप हूँ है ना, तो उस गाने में जो मुझे चाहिए मुझे तो वो सब मिला है ना। अब भाई हो सकता है मैं ओजी साउंड करूँ पता नहीं यार मुझे बहुत हंसी आ रही है। तो मेरे बैक ऑफ द आइडिया चल रहा है कि देयर वाज नो नीड मेरा नाम डालने की यहाँ पे, बिकॉज भाई एंथनी फैंटानो को कभी सुनना है ना, जो लोग नहीं, मैं नॉर्मल जनता से बोल रहा हूँ है ना, किसी पर्टिकुलर को नहीं बोल रहा हूँ। एंथनी फैंटानो को देखना भाई वो ऐसी की तैसी कर देता है रैपर्स की, वो ऐसे क्रिटिसाइज़ करता है। अभी तो हमारे इंडिया में ऐसा कोई क्रिटिक आया भी नहीं है, और अगर आ जाएगा तब तो मुझे लगता है कि उसके ऊपर लोग बड़े रैपर्स डिस्ट्रैक्ट ना निकालना शुरू कर दे। बट ठीक है चलो वो बात है यहाँ साइड है ना। अपना काम है बिना बायस हुए लोगों को सच्चाई दिखाना, बिना कि इसी की बेइज्जती करे हुए। मेरा काम किसी की बेइज्जती करना नहीं है यहाँ पर, ठीक है। वो करना होता तो मैं रोस्टिंग चैनल खोल देता, और रोस्टर्स जो होते हैं वो तो खुला मारते हैं और तब किसी को कोई दिक्कत भी नहीं होती, थोड़ी देर की दिक्कत होती है, बाकी वो जनता भी गेन कर लेते। मैं रोस्टर नहीं हूँ, मैं बन सकता हूँ बड़ी ईजिली लेकिन मैं हूँ नहीं है ना। सो नहीं भाई गाने में सब कुछ है, मेरे को मज़ा आया, मेरे को इस गाने में वो सब कुछ मिला, ठीक है। बहुत सारे शॉर्ट्स थे एंड बहुत सारी चीज़ें भी थी। देखो यार मुझे जब मैं गाना सुन रहा था तभी मेरे मन में एक थाट आया था कि भाई देखो जिस रैपर को जहाँ मर्जी होती है एमीवे का नाम घुसेड़ देता है, ठीक है, जहां मर्जी होती है वहां पे। लाइक कभी किसी का स्ट्रीम्स नहीं आ रहे होंगे तो बोल देंगे एमीवे के तो आते हैं, मेरे नहीं आते, मेरा काम ज़्यादा अच्छा है, कोई ऐसा कर देगा। लोग लाइव शोज़ में भी बोलते हैं, लोग टीवी शोज़ में भी बोलते हैं, एमीवे ये सब काम नहीं करता है, राइट। अगर तुमने देखा हो तो वो ट्वीट में नहीं करता है, वो कहीं पर अगर जाएगा टीवी शोज़ में भी या किसी अगर कहीं पर जज बन के भी जाता है तब भी वो बेफालतू किसी का नाम नहीं लेता है, एंड कहीं पर भी बेफालतू नाम नहीं लेता है। तो गाने में नाम लेने का उसको भाई पूरा हक है, क्योंकि अगर और एटलीस्ट उन लोगों को जिनको जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इसको डिस कर रहे हैं तो उनको तो ये नाम ले सकता है। तो भाई इसने अपनी तरफ से करा है काम है ना। बाकी जिस रैपर का नाम लिया, जिनका नाम लिया, उनको बुरा लग रहा है तो भाई आप लोग उनसे निपटो, अपन ना कुछ लेना देना नहीं है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि जब इसका नाम लिया जा सकता है हर जगह, तो उसको भी पूरा हक है नाम लेने का। और हाँ, ये वाली बात जो इसने बोली थी कि जब अभी सब बोलेंगे कि एल्बम आ रही तो हाइप बना रहा है, तो वो करें तो चमत्कार, हम करें तो, है ना, तो वो वाली बात भी मुझे सही लगी, क्योंकि मैंने बहुत नोटिस करा कि भाई इंडिया में अब मुझे ऐसा लगता ही नहीं कि कोई ऐसा रैपर बचा है ना जिसने ये काम एक ना एक बार ना करा हो कि जब भी कोई एल्बम आ रही है तो डिस कर दिया या कुछ ट्वीट कर दिया, कुछ उल्टा कर दिया। तो एमीवे ने भी अगर करा तो ब्रो ठीक है, ये तो इसको बोलते हैं ना पास, कौन सा पास, डिस पास, एल्बम रिलीज पास, ये तो सभी के पास है। तो वो पास भैया जिसको मन कर रहा है जब वो आस पास अपने घरे दे रहा है, ठीक है। तो खुला चैलेंज है मेरे हिसाब से गाना इंडियन हिप हॉप को, है ना। एमीवे ने खुला चैलेंज दिया है सबको, कुछ का नाम लेके, कुछ का बिना नाम लिए, आई मीन पूरे इंडस्ट्री का बिना नाम लिए। तो लेट्स सी मैन, ऐसा कौन सा रैपर आता है जो इसका रिप्लाई कर पाएगा, बिकॉज दिस इज इंडस्ट्री डिस काइंड ऑफ सॉन्ग, है ना, कि मुझे उस जगह रहनी नहीं जहाँ लोग यूनिटी बोल के एक दूसरे से जलते हैं या, है ना, ये वह कॉम्पिटिशन करते हैं। टू बी ऑनेस्ट मुझे एमीवे की इसमें कई सारी बातें बिल्कुल सही लगी, ठीक है। लाइक आई थिंक 80% बातें, है ना, जो भी इसने इस गाने में बोली मैं उनके साथ अग्री करूँगा, ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इसने गलत बोला है ही। सारे पॉइंट्स तो हैं भाई इसके पास। तो बाकी तुम लोग बताओ भाई, मैंने बहुत बोल दिया है ना, मैं बकता रह सकता हूँ इसके ऊपर, है ना, वैसे ही मैं ब्रेक डाउन तो सही कर नहीं पाता, अब एक क्लाउन, है ना। तो तुम लोग बताओ व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस सॉन्ग, है ना, व्हाट डू यू थिंक कि एमीवे ने सही करा, गलत करा, और किसी रैपर को डिस करा या कोई बहुत भयंकर चीज़ करी जो मैंने मिस करा। आई एम श्योर ये गाना मैंने कम से कम नहीं 30 to 40% मिस करा है। चॉपर वाले पार्ट मैंने मिस कर दिया, थैंक गॉड मैंने अंग्रेजी खोल दिया था तो मुझे थोड़ा समझ आ गया था कि क्या चल रहा है यहाँ पे, बड़ी बस सो फास्ट। अच्छा देखो यहाँ पे एमीवे ने फ्लो स्विचेस, चॉपर, केडेंसेस, बार्स, है ना, रेफरेंसेस, मोहम्मद अली, मंडेला, सारी चीज़ें तो करी हैं। डबल ऑन्टॉन्ड्रेस कितने थे वो भी भाई कोई ब्रेक डाउन करेगा तो समझ आ जाएगा, बट डेफिनेटली दिस सॉन्ग डिजर्व अ ब्रेक डाउन, है ना। अगर कोई अच्छा ब्रेक डाउन करने वाला है, रिएक्शन चैनल्स को ब्रेक डाउन को भाई ब्रेक डाउन ना माना करो मेरे हिसाब से, है ना, मतलब मान लो, लेकिन भाई फर्स्ट टाइम सुन के आदमी कितना ही कर पाएगा। ब्रेक डाउन करने के लिए नीड सम टाइम। अगर उसने पता नहीं कितना टाइम लगा के गाना लिखा है तो हमें भाई उतना ही टाइम लगा के ब्रेक डाउन तो करना पड़ेगा ताकि उसके जोन में तो बैठ पाए। तो प्रॉपर ब्रेक डाउन अगर कोई कर पाए तो बहुत बढ़िया, प्लीज़ करिए, हमको ही बताइए इस गाने में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या चीज़ें मैंने मिस करी। मेरे को डिस करना है, मेरे पे शॉट लेना सही था या नहीं था वो भी प्लीज़ कमेंट में बताओ, और लड़ो ब्रो, कमेंट में लड़ो ना, कमेंट में लड़ना सबसे बढ़िया चीज़ है। रियलिटी में तो कोई लड़ेगा नहीं, है ना, ना ही लड़ो तो ज़्यादा अच्छा है ना। कमेंट में आओ और लड़ो, मरो, लड़ो, ठीक है, ये बातें करो, प्यार से बातें करो, लड़ो नहीं, बिना गालियाँ दिए, सत्कार से, है ना, सम्मान से एक दूसरे की अपमान करो, ठीक है। चलो मैंने सब बोल दिया है, KPL भाई का गाना सुन लेना, लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दिख रहा है, ठीक है। चलो भाई बहनों, इस वीडियो में बस, अपना अगला वीडियो लेके जल्दी वापस आऊँगा। टिल देन, नया म्यूजिक, सस्ते गानों को कानों से दूर, एंड # म्यूजिक सुनाओ, म्यूजिक बचाओ, ठीक है। चलो अब फेक इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, सबसे इंपॉर्टेंट बात, पता नहीं क्यों नहीं करते यार। इंस्टाग्राम पे हो ना, वहाँ देखो क्या क्या रील डाल रहा हूँ, रील नहीं देखते मेरे, अरे यार कहाँ पीछे पड़े यार तुम लोग, किंग ऑफ इंडियन रिएक्शन चैनल्स हिस्ट्री बनाते हुए। पहला शाउट आउट और पहला शॉट हम पे आया, ठीक है। चलिए अब फेक।